अच्छा जी, ये अभी हम थोड़ी देर वेट करना है आपके कलीग्स का कि इसको कैरी ऑन करें। अच्छा, अभी जो हम देखेंगे वो है ऑटोमेटेड कटिंग। ठीक है, अगर हम स्लाइड पे जा सकें। ठीक है, ये दो पोर्शन हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, आपकी मैनुअल कटिंग भी, आपकी सेमी ऑटोमेटिक भी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि फुली ऑटोमेटिक कटिंग बेसिकली क्या है। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक कटिंग में आपके कौन कौन से आपके जी यूज़ हो रहे हैं सिस्टम आपके, आपको है कोई आइडिया कि नहीं? अच्छा, एक आपका यूज़ हो रहा है ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग है। ठीक है, आपकी लेज़र कटिंग है और आपकी वाटर जेट कटिंग है और आपकी प्लाज्मा जेट कटिंग है। ठीक है, ये आपकी यूज़ हो रही हैं आपकी फुली ऑटोमेटिक में। ठीक है, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। आपकी प्लाज्मा जेट है, आपकी वाटर जेट है, आपकी लेज़र है और आपकी ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग है। अच्छा, इसमें से लेज़र आपकी, वाटर जेट और इवन प्लाज्मा, ये थोड़ी हटके हैं कंपैरेटिवली आपकी ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग से, क्योंकि इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रही है ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग ही यूज़ हो रही है। ठीक है, अब उसकी क्या रीज़न है वो जब हम इनको फर्दर देख रहे होंगे तो इसको हम देख लेंगे कि उसकी बेसिक क्या वजह है। अच्छा, जो ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग है इसको आप क्या कहते हैं जी? और दूसरी बात ये कि हम में ये क्यों ऑटोमेशन की तरफ हम आना पड़ा जब हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, तो इसकी क्या वजह हमें समझ आती है कि असल में क्या मामला क्या है इसमें? टाइम सेव होता है सर। टाइम जी शहबाज, क्या कह रहे हैं आप? सेव होता है सर फुली अकाउंटिंग में सर। जी, टाइम सेविंग एक चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। और इसके में जो टाइम सेविंग के अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी गारमेंट की क्वालिटी। ठीक है, कि इसमें ऑटोमेशन में आपकी एक्यूरेसी आएगी और आपका गारमेंट जो है वो जिस क्वालिटी का आप चाहेंगे उस क्वालिटी का आप गारमेंट बना सकेंगे। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आपकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी जो ऑटोमेशन में आएगी वो आपकी मैनुअल में नहीं आएगी, और इवन सेमी ऑटोमेटिक में भी वो उस तरीके से वो काम वर्कआउट नहीं करेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर हम ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग में देखें, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये उसी वक्त यूज़ होगा जब हमें हाई वॉल्यूम के कट्स चाहिए। ठीक है, और बेसिकली इसको उन्होंने तीन में डिवाइड किया हुआ है। आपके जो हैं हाई प्लाई कट है। ठीक है, हाई प्लाई कट से क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? यानी वो सप्रेट जिनकी हाइट की लेंथ 300 तक होगी, ठीक है, उसके लिए आप जो सिस्टम, जो आप टर्म यूज करेंगे वो करेंगे हाई प्लाई कट। ठीक है, इसी तरह आपका मीडियम प्लाई कट है और इसी तरह आपका लो प्लाई कट है। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस सिंपल आपकी नंबर ऑफ प्लाईज ही होंगी। ठीक है, यानी स्प्रेड की डेप्थ जो है वो मुख्तलिफ होगी। ठीक है जी, उसमें जो है हम ये बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो भी पैटर्न है डिजिटाइज होने के बाद, ठीक है, आपकी मशीन में डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी ये जो है मशीन को या फ्लॉपी की सूरत में, जो आज से कुछ 10-15 साल पहले था तो फ्लॉपी उसमें डाल देते थे, लेकिन आजकल जो मॉडर्न मशीन्स हैं
उनमें फ्लॉपी भी डालने की जरूरत नहीं है, वो इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर हेड मशीन में है वो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेटर है मशीन का, उसने मखसूस जो है वो इंफॉर्मेशन मशीन को फर्दर देनी है, ठीक है। और जो मखसूस इंफॉर्मेशन से आप क्या मतलब समझ रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जी? जो सर्टन इंफॉर्मेशन है वो कौन सी देंगे? यानी वो उसके पैरामीटर्स जो हैं वो सेट कर देगा अकॉर्डिंग टू द स्टाइल। और अगर फैब्रिक में जहाँ पे कोई फॉल्ट है, ठीक है, वहाँ पे उस कटर ने किस तरीके से ऑपरेट करना है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये पैरामीटर्स मशीन को गिवन होंगे, ठीक है, ये गिवन होंगे, ठीक है। आपने स्प्रेड लगा के स्प्रेड को कटिंग टेबल के ऊपर मूव कर लिया, जैसे ही आपने मूव किया, ठीक है, आप सिंपल एक बटन प्रेस करेंगे और मशीन आपकी जो है वो फुली कट करना शुरू करेगी जो आपने उनको डायरेक्शंस दी हैं, ठीक है। तो ये जी बेसिकली जो ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग है ये यूज हो रही है, और जो कंपनी इसको बना रही है वो है गर्बर, ठीक है। तो गर्बर टेक्नोलॉजी बेसिकली इस के ऊपर काम कर रही है, और वही पैटर्न है इसके साथ, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका जो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, वो यूज हो रहा है, ठीक है। और आपके जो बाकी प्रोसेस उसी तरह है, आपका एक कटर कैरी करने के लिए एक मशीन यूज हो रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ में अगर हम देखें आपका नाइफ का शॉर्पनर भी यूज होगा, ठीक है, और जो उसे कन्वेयर कहते हैं जो आपके कटिंग के ऊपर आपके स्प्रेड को लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी जनरली है इंफॉर्मेशन, और इसमें जो ब्लेड है वो भी एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द स्प्रेड और डेंसिटी ऑफ द फैब्रिक के, ठीक है। और इसमें जो ब्लेड यूज होता है वो रेसिप्रोकेटिंग ब्लेड ही यूज होगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इसको जेन में रखें, ठीक है। और इसमें जो दूसरी कोई करने वाली बात है कि इसकी जो स्पीड है वो किस जगह के ऊपर कम होगी आपके ख्याल में? जहां पे हमारे कॉर्नर्स आएंगे, ठीक है, उन एरियाज में हमारी कट करने की जो एफिशिएंसी है, स्पीड है, वो डेफिनेटली स्लो हो जाएगी, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर आपके डीप कर्व हैं तो स्पीड और स्लो होगी, और इवन नॉचेस के ऊपर भी आपकी स्पीड स्लो होगी। बट समटाइम आप नॉचेस की को अलग से वर्टिकल नाइफ से लगाते हैं, और अगर आपने एक कमांड दी है तो इन वजह से आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इस मशीन का प्रोसेस वो किस तरह करते हैं, जो आपके रेसिप्रोकेटिंग नाइफ हैं, सबसे पहले वो एक ब्लॉक बनाते हैं, उसे जो टर्म्स यूज करते हैं वो ब्रिसल यूज करते हैं, ठीक है। ब्रिसल में बेसिकली आपका एक इस किस्म का एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मशीन जो है मशीन का हेड बाय यूजिंग ऑफ नाइफ वो ट्रेसेगा कि ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर मैंने काम करना है, ठीक है। ब्लॉक बनाने के बाद जो है वो मशीन उसको एक्चुअल में नाइफ को कमांड देगी कि अब आप उसके में रियल में कट करना शुरू कर दें, और आप उसमें कट करना शुरू कर देंगे। इसका जो एडवांटेज होगा जो फुली ऑटोमेटिक है वो उसकी पिच हमेशा 90 के ऊपर रहेगी, ठीक है। और मशीन का नाइफ जिस एंगल में इंसर्ट हुआ है उसी एंगल से वो वापस बाहर निकलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये एक जो कॉमनली यूज मशीन हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग मशीन गर्बर टेक्नोलॉजी जो बना रही है वो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। इसमें से आपने कोई बात पूछनी है तो पूछे, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चले।
और इसी में बेसिकली हम गर्बर टेक्नोलॉजी में वैक्यूम भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा स्प्रेड जो है वो फिक्स रहे, ठीक है, और इवन ड्यूरिंग द कटिंग भी फैब्रिक मूव ना करें। जी इसमें कोई आप बात करना चाह रहे हैं तो करें। अच्छा, जो इससे नेक्स्ट मशीन है वो है हमारी जी लेजर कटिंग की, ठीक है। तो लेजर कटिंग से क्या समझ आ रही है? मुझे तो ये समझ आ रही है कि लेजर की एक लाइट की बीम होगी, वो फैब्रिक को काट देगी, ठीक है। और एक्चुअल में यही है, यही प्रोसेस है, ठीक है, कि आपका जो इसका एडवांटेज है बेसिकली इसकी स्पीड जो है, हमने जो ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, ठीक है, टू फास्ट है लेजर कटिंग की, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्क इस तरह करेगी कि आपकी जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, वो एक वी शेप बनाती हुई बीम जिसका एरिया तकरीबन 0.004 इंच वाइड है, ठीक है, वो बनाती हुई आपके फैब्रिक के को हिट करेगी। वो जैसे हिट करती जाएगी आपका फैब्रिक जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ऑल अबाउट बीम है जो आपके फैब्रिक को कट करती है, और इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि फैब्रिक को इतना टाइम नहीं देती कि वो बाउंस बैक करे, ठीक है, या स्लिप हो कहीं भी। वो बीम ने आना है, बीम ने आके फैब्रिक को टियर कर देना है और फैब्रिक को पता भी नहीं चलना, इस सो स्पीडी प्रोसेस है, ठीक है। जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि आपकी शेप कभी कंप्रोमाइज नहीं होगी, ठीक है, जिस शेप के ऊपर आप हैं उसी शेप में आप रहेंगे। अब इसके इस स्पीड का जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो सकता है जी, आप क्या कहेंगे? जब इतनी स्पीड से काम आप करेंगे फैब्रिक को भी, यानी उसके आपने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके कंस्ट्रक्शन को, और फैब्रिक के स्प्रेड में नहीं किसी चीज को हिलने भी नहीं दिया, तो उसका क्या डिसएडवांटेज क्या होगा? उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि ये मशीन जो लेजर है इतनी जिस कैपेसिटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ आपके स्प्रेड के ऊपर लगेगा, ठीक है, तो ये हीट जो प्रोड्यूस होगी वो इतनी ज्यादा हीट होगी कि आपके एक तो एजेस जो हैं फैब्रिक के, ठीक है, वो सील्ड हो जाएंगे, समझ लग रही है? अब अच्छा, अगर तो वो सिर्फ एक ही लेयर के सील्ड होते हैं तो उसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो थ्रेडिंग निकल रही है ना, फ्रेइंग होती है, वो नहीं होगी। तो ये तो हो गया इसका एडवांटेज। बेसिकली इस डिसएडवांटेज में सबसे पहले एक एडवांटेज है, फिर डिसएडवांटेज की तरफ बात जाएगी, ठीक है। एडवांटेज मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, ठीक है, वो जो हीट जनरेट होगी फैब्रिक में, वो फैब्रिक की जो कट्स हैं, जो शेप्स हैं, उधर ही उनको सील कर देगी साथ में, ठीक है। जो आपके आपको फाइबर बाहर नजर आने चाहिए या होंगे वो आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि हीट जनरेशन की वजह से वो उसे सील कर देगी। अब होगा क्या कि एक तो उन्होंने जब कर दिया सील किया फाइबर्स को उसकी अपनी प्लाई के अंदर, उसके अपने यानी फैब्रिक के अंदर, वो तो एडवांटेज हो गया। अब हीट ये कॉन्टिन्यूसली आ रही है, ठीक है, अब एक प्लाई ने दूसरी प्लाई को भी ये सील कर देना है क्योंकि इतनी स्पीड है, हीट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो दो तीन लेयर्स को भी इकट्ठा वो सील कर देगी, वो भी आपस में अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसको कमर्शियलाइज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो गर्बर सक्सेसफुल रहा है उसकी वजह ये है कि उनकी स्पीड इतनी नहीं थी जितनी लेजर की थी। तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस है। इसमें आपने कोई बात करनी है करें, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है, और आपको सील्ड जो है पीसेस मिलेंगे जो आपके लेजर कटिंग का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फायदा है।
और इसकी स्पीड जो आ रही है जी वो है तकरीबन 3 फीट पर सेकंड, और एक सेकंड में ये 3 फुट तक काट सकती है, काटेगी, ठीक है। तो ये है, इसमें आप कोई और बात करना चाह रहे हैं तो करें। और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो लेजर बना रही है जी, लेजर कटिंग कौन सी कंपनी कर रही है जी? जैसे आपकी ऑटोमेटेड कटिंग ब्लेड गड़बड़ कर रही है तो लेजर कौन सी कर रही है? इलेक्ट्रा कंपनी जो है वो आपकी लेजर कटिंग को प्रमोट कर रही है, और वो जो मशीन्स बना रहे हैं इलेक्ट्रा वाले वो आपके लेजर बेस्ड हैं, ठीक है जी। तो इसका आपको एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है जी? एडवांटेज इसका ये होगा कि आप एक्यूरेसी के साथ अपना गार्मेंट ले सकेंगे, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि कमर्शियली आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर तो आप बेसिकली लो वॉल्यूम के ऊपर हैं, ठीक है, आपकी कुछ फ्लाइज हैं या आप एक फ्लाई अब आप पे काम कर रहे हैं तो फिर तो आप इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने स्प्रेड 150 प्लाई का लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपकी प्लाईज ही बेसिकली हीट सील्ड हो जाएंगी, ठीक है, और वो आपके लिए मसला बनेगा। और इसमें अलाइनमेंट आएगी आपके पीसेस की, वो वेरी वेल अलाइंड होंगे, ये भी इसका एक एडवांटेज होगा, ठीक है जी। इसके अलावा जो मशीन हम देखेंगे वो है हमारी वाटर जेट, ठीक है। वाटर जेट में बेसिकली क्या है कि आपका वाटर जो है टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर जो तकरीबन आपका 0.0010 से लेके 0.001 इंच तक होगा, ठीक है, वो फैब्रिक में 7,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से जाएगा, ठीक है। और इस प्रेशर के साथ आपका फैब्रिक का ड्रॉप जो है वो फैब्रिक को बेसिकली कट देगा, ठीक है। तो तो ये ऑल अबाउट है जी आपकी वाटर जेट की। तो बेसिकली ये है कि ये जो आपका वाटर जेट है इसका एडवांटेज ये है कि ये आपके फैब्रिक में अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। जो आपका ये वाटर का ड्रॉप कट कर रहा है बेसिकली ये आपके फैब्रिक में इसकी अब्जॉर्बेंसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ये उसका आपको एक फायदा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? एडवांटेज इसका यही है कि आप स्पीड के साथ गेटिंग एक्यूरेट शेप्स इसमें भी आप लेंगे, लेकिन इसमें जो लेजर में आप की हीट की वजह से जो आप सीलिंग लेते थे तो ये आप इसमें वो नहीं ले सकते, ठीक है, वाटर जेट में, क्योंकि इसमें कूलिंग इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब जब ये कूलिंग इम्पैक्ट आ रहा है इतनी स्पीड के साथ, ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके जो थ्रेड प्रोड्यूटिंग फाइबर आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका यार्न एक्स्ट्रा वो बाहर आ रहा है वो आपस में मुख्तलिफ प्लाइज के इंटेंगल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी फ्रेम तो होगी होगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है, ना सिर्फ फ्रेम होगी बल्कि ये आपस में इंटेंगल्ड होके एक क्या कहते हैं उसे यार गुच्छा बना देंगे, जिसकी वजह से भी आपको मुश्किल होगी अपने लेयर्स को और अपने पीसेस को अलग करने के लिए। तो इसका जो बेस्ट इस्तेमाल हो रहा है जी वो हो रहा है आपके विनाइल में, ठीक है,
उसमें आपका जो है ये बेस्ट यूज जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपका जो थर्ड है वो है आपका प्लाज्मा जेट, ठीक है। ये बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है कि ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटेड है, ठीक है, हाई स्पीड है, और ये भी जो है आप अगर बहुत ज़्यादा आपका स्प्रेड का डेप्थ होगा तो उसमें आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो कंपनी काम कर रही है वो है इन्वेस्ट्रोकियाना, ठीक है, जो प्लाज्मा जेट कटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है प्लाज्मा जेट का कि उन्होंने मशीन में ही कन्वेयर के ऊपर एक टीवी कैमरा लगाया है, ठीक है, जो आपके पैटर्न को स्ट्राइप्स को मैच करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो वही हैं कि ये आपके सिंगल प्लाई के ऊपर जो है वो काम करेगा, ठीक है। जब आप जैसे आपका प्रॉब्लम वाटर जेट और आपके लेजर जेट में है, इसी किस्म का मसला आपके प्लाज्मा जेट के साथ आएगा, आपके प्लाइज जो है इंटेंगल्ड करेगी, तो इसलिए भी ये कमर्शियली यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जो कमर्शियली यूज होगी मशीन वो आपकी कौन से वाली है जी, आपकी ऑटोमेटिक ब्लेड कटिंग की है, अंडर द हेडिंग ऑफ कर्वर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने कोई और बात पूछनी है तो पूछे। अच्छा, इस कटिंग के बाद आपका क्या कौन सा ऑपरेशन होगा? एक्सक्यूज मी सर, जी अभी क्या कह रहे हैं आप? सर हमारी अभी 2 बजे क्लास है सर, उमेर आलम की, तो आज के लिए काफी नहीं। जी जी, आज का लेक्चर तकरीबन हमारा अभी फिनिश है, इसमें हम कोई और ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे। कटिंग को तकरीबन हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है, और यही हम चाह रहे थे कि हम इस वीक में कटिंग वे तक अपने मामलात को फिनिश कर लें, ठीक है। इसमें आपने जो फर्दर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब कट कर लेते हैं, ये तो आपने इंटर्नशिप में भी सीखा होगा कि हम क्या करते हैं कटिंग करने के बाद। यार कटिंग करने के बाद बंडल बनते हैं, ऑफलोड होगा, बंडल बनेगा, आगे मूव हो जाए, यही नहीं होगा जी सर? यही है बिल्कुल सही। थैंक यू जी। अब ये कैसे होगा फिर ये भी थोड़ी देर बता दें। सर सबसे पहले तो शॉर्ट होते हैं कि साइज वगैरह जो है एक साथ जो सेम साइज के होते हैं, उसके बाद जाता है स्टिचिंग के पार्ट। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑफलोडिंग, ठीक है। इसका अगर आप कहीं से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होंगे इस प्रोसेस की, तो यह आप इसको ऑफलोडिंग के नाम से आप लिखेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो और कोई बात अगर आप करना चाह रहे हैं तो करें।
क्लास आलम की, तो क्लास आज आप यहीं तक रखें सर। जी क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने कहा कि 2 बजे हमारी दूसरी क्लास होनी है, तो वो बता, मैं वो कह रहा था कि आप क्लास अभी यहीं पे एंड करें। चलें ठीक है जी, हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं और जो टॉपिक हमने कवर करना था वो वैसे भी हो गया है फिनिश। और थैंक्स फॉर कमिंग एंड आई वुड अपलोड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।